नमस्कार। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2017 के बीच की करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर अपडेट्स में मैं विजयानंद मास्टर मिक्स चैनल पर विजयानंद आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। इंडोनेशिया ने भारत के साथ ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सेक्टर में अभी हाथ मिलाया है और ये जो मुलाकात हुई थी दोनों देशों की, ये जकार्ता में हुई थी। WHO ने मलेरिया की वैक्सीन को ओके कह दिया है और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इस वैक्सीन को बना रहा है और RTSS या मॉस्क्यूरोक्स इस वैक्सीन का नाम है और शुरुआती दौर में इस वैक्सीन को घाना, केन्या और मलावी में उतारा जा रहा है। क्यूबा और मोरक्को की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था, कूट राजनीतिक वार्ता थी, वो ठप पड़ी थी पिछले 37 वर्षों से सेंड वॉर के बाद अफ्रीका के, अब ये दोबारा शुरू हो गई है। विकी ट्रिब्यून विकिपीडिया ने एक नई संस्था खोली है जिसमें कि खबरों की ऑथेंटिसिटी आपको मिल सकेगी, आपको केवल जेन्युइन सही खबरें ही मिलेंगी। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को हुआ, इस वर्ष इसका थीम था लेट्स क्लोज द गैप। WHO साउथ ईस्ट एशिया ने ये लक्ष्य रखा है कि सन 2020 तक वो लेप्रेसी, फाइलेरियासिस और कालाजार बीमारी को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का नाम लिया है, जहां पर टूरिज्म सबसे अच्छी है। भारत की रैंक 40 पर आई है और इस मौके पर भारत ने 1811-1363 नाम की हेल्पलाइन भी टूरिस्ट के लिए शुरू करी है। 1363 इसका शॉर्टकट नंबर है और सिम कार्ड जैसा ही वेलकम कार्ड भी टूरिस्ट को अब दिया जाएगा जिससे कि उनको घूमने में काफ़ी आसानी रहेगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ राष्ट्रीय खबरें। हावड़ा और कोलकाता के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो टनल हुगली के नीचे से होकर के जाएगी जो उनको जोड़ेगी। 10.8 किलोमीटर लंबी टनल की कीमत 8,900 करोड़ रुपये है। जुलाई के अंत तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को इससे जोड़ दिया जाएगा और कोलकाता मेट्रो के MD का नाम है मिस्टर सतीश चंद्रा। जून से एप्रो एक मेगा ऐप अपना शुरू करने जा रहा है हिंड रेल नाम का। इसमें बहुत सारी सुविधाएं केवल ऐप के ऊपर मिल सकेंगी यात्रियों के लिए। एक पोस्टल डिपार्टमेंट ने 100 रुपये का स्टैम्प रिलीज़ करा है। 100 रुपये का स्टैम्प की कीमत है और ये कॉफ़ी से सेंटेड है और ये स्टैम्प कॉफ़ी को ही डेडिकेटेड भी है, इसमें कॉफ़ी की खुशबू भी आएगी। निकोस अनास्तासियादेस ये राष्ट्रपति थे साइप्रस के, जिन्होंने भी भारत की 25 से 28 अप्रैल तक यात्रा की। CRPF के 25 जवान जो कि 74वीं बटालियन के थे एक मॉस्ट अटैक में सुकमा में मृत्यु को प्राप्त हुए, शहीद हो गए और सुकमा छत्तीसगढ़ में एक जगह है, जिला है। 47वां फाउंडेशन डे हुडको का 25 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक प्रगति मेट जिसका नाम था वो दिल्ली में 24 से 30 अप्रैल तक हुई और इस वर्ष इसका थीम था वैक्सीन वर्क। BCIM यानी कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार की जो मीट थी वो कोलकाता में हुई। 2800 किलोमीटर लंबी सड़क इसमें बनाने की परियोजना है जो कुमिंग यानी कि चाइना वहाँ से चलेगी और उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश होती हुई कलकत्ता इंडिया में आकर के ख़त्म होगी। गुजरात फाउंडेशन डे 1 मई 2019 को मनाया गया। आपको शायद पता हो गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में 1 मई के दिन ही अलग अलग हुए थे। प्रधानमंत्री ने 9वीं मीट जिसका के नाम प्रगति था उसका दिल्ली में उद्घाटन किया। इसमें प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो गवर्नेंस की स्कीम्स हैं उन सब का सही तरीके से और समय के अंदर में ही इम्प्लीमेंटेशन हो इसके ऊपर जोर दिया गया। पहली उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, तो पहली उड़ान की जो हवाई जहाज की यात्रा थी वो शिमला से दिल्ली के बीच में हुई। भारत ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शन थे उनको नोटिफिकेशन दिया है UN में, यानी कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो अभी और प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी तो भारत ने उसके लिए हाँ कही है। पेपरलेस फ्लाइंग मशीन डिजी यात्रा प्लान इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है, अब टिकट ले जाने की और डॉक्यूमेंट्स ले जाने की हवाई जहाज में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हवाई अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो 2020 तक सरकार का लक्ष्य है कि आपके लिए ट्रेन में टिकट ऑन डिमांड मिल सकेगा। साइप्रस ने भारत के साथ 5 क्षेत्रों में हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ट्रेड यानी कि व्यापार, एयर सेवाएं, एग्रीकल्चर यानी कृषि और मर्चेंटशिप व्यापारी जहाज। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
कुछ इकोनॉमी और बिजनेस की जुड़ी हुई खबरें। एलआईसी आईडीबीआई में 407 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी वीवीपैट बनाने का निर्णय लिया है, यानी कि वह वोटिंग मशीन जो नई वाली आ रही है, 8,07,500 मशीनें बनाई जाएंगी 3,173 करोड़ रुपए में। रिलायंस कम्युनिकेशन ने अप्रूवल को मर्जर दे दिया है एयरसेल के साथ, और इसके बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेली कंपनी बन जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने नैनो थेरेप्यूटिक्स जो कि चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है, इसको खरीद लिया है, चेक रिपब्लिक की माफ़ कीजिएगा, 72 मिलियन यूरोज में। और इसके बाद ये विश्व की नंबर एक पोलियो वैक्सीन की कंपनी बन गई है। LVMH ने क्रिश्चियन डियोर को खरीद लिया है। ये दोनों ही फ्रांस की फैशन डिजाइनिंग की कंपनियाँ हैं, 6.5 बिलियन यूरोज में। आधार, पैन और इनकम टैक्स रिटर्न, इन तीनों का लिंक अब हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार 30,000 के आंकड़े को पार किया 26 अप्रैल 2017 को। इसके सीईओ हैं मिस्टर आशीष चौहान। भारत श्रीलंका ने अभी पैक्ट साइन किया है, जिसके बाद अब कोलंबो में पहला ल्यूक्विफाइड नेचुरल गैस का प्लांट लगेगा और सोलर प्लांट लगेगा सांपुर में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भारत और श्रीलंका के बीच। कोटक महिंद्रा बैंक ने ओल्ड म्यूचुअल्स जो कि योगी कंपनी है, उसके 26% स्टेक को लाइफ इंश्योरेंस फर्म में खरीद लिया है 1,292 करोड़ रुपए में। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, इसने लॉन्च किया अपना पोर्टल और ऐप, इसका नाम है MSME। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्टिंग अब आपको बता रहा हूँ मैं कुछ व्यक्ति जो चर्चा में रहे। मिशेल स्कार्पोनी जो कि जीरो डी इटालिया 2011 के चैंपियन थे। जीरो डी इटालिया साइकिल का टूर है और तीन ग्रैंड टूर्स माने जाते हैं साइकिल के। नंबर एक पर टूर दे फ्रांस, दो पर टूर दे स्पाना और तीन पर जीरो डी इटालिया। तो इटालियन साइकिलिस्ट थे, इन्होंने 2011 में टूर्नामेंट जीता था। 37 वर्ष की आयु में एक बाइक क्रैश के बाद इनकी मृत्यु हो गई है। वीके सिंह, ये नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एमडी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके प्रेसिडेंट बने हैं। अखिलेश दास गुप्ता की पता है आपको, हाल में देहांत हुआ था उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए हैं इसके। रॉनी स्क्रीवाला जो भारत के एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी 100 करोड़ रुपए का फंड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शुरू करा है और ऐसी स्कॉलरशिप एशिया में पहली बार दी जा रही है। अली मोहम्मद नाइक, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे और 87 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। उस्ताद हशमत अली खान, अजरारा घराना के तबला वादक थे, 85 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। पी के सिन्हा, पहले कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी हैं, इनको 1 वर्ष का एक्सटेंशन अभी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इनका कार्य काफ़ी अच्छा था कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक पर। मुख्य प्रधान सचिव सॉरी कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य सचिव संध्या अग्रवाल भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, जिनको कि मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता मिली है। भारत की महिला क्रिकेटर आई है। अच्छा, रॉबर्ट एम पेरिंग जो कि ऑथर थे किताब जैन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस के, अमेरिका में 88 वर्ष की आयु में आपका देहांत हुआ है। इनकी किताब को 100 पब्लिशर ने लौटा दिया था और बाद में इनकी किताब को आज लेजेंड के तरीके से माना जाता है और काफ़ी दुनिया में इज्जत दी जाती है। फोरी नेहरू जो कि शोभा नेहरू के नाम से बाद में शादी की जाने जाने लगी, और बीके नेहरू जो कि फर्स्ट कज़िन थे जवाहरलाल नेहरू के, उनकी वाइफ थी, 109 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। मारतंड सिंह टेक्सटाइल के माविन, मतलब टेक्सटाइल के काफ़ी बड़े विशेषज्ञ थे और पूरी दुनिया में भारत के टेक्सटाइल के बारे में इन्होंने काफ़ी बताया, शो कराया, दुनिया को अवगत कराया। 70 वर्ष की आयु में आपका देहांत हुआ है। जोनाथन डेमे जो कि डायरेक्टर थे मूवीज़ फिलाडेल्फिया और साइलेंस ऑफ द लैम्स के, 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में आपका निधन हुआ। एडमिरल सुनील लांबा इंडियन आर्म फोर्सेस के जॉइंट डायरेक्टरेट के हेड हैं 2017 के। भारत के तीनों जो जॉइंट फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके हेड हैं। विनोद खन्ना प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और बीजेपी के एमपी गुरदासपुर से, इस समय भी आप एमपी थे, 70 वर्ष की आयु में आपका देहांत हुआ। राजीव राय भटनागर नए डायरेक्टरेट जनरल हैं CRPF के, और जो व्यक्ति जा रहे हैं उनका नाम है सुदीप लटकिया।
पी के पचनंदा आईटीबीपी के नए डीजी हैं और कृष्णा चौधरी इस जगह को खाली कर रहे हैं। दिलीप कुमार बरुआ आसाम के शिक्षाविद, 73 वर्ष की आयु में आपका ध्यान हुआ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ चर्चित स्थानों की बातें, एथेंस में जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं जिनको आप जानते हैं, रोम की सभ्यता, मिस्र की, ईरान की, इराक की और अपना भारत की, इसके अलावा मैक्सिको की, इस तरह की सभ्यताओं का एक एंग्लो पूरा एक एसोसिएशन है। उन्होंने अभी व्यापार अपने के स्थानों को बचाने के को लेकर के और जनता को अवेयर कराने के लिए एक फोरम का आयोजन किया था। ग्रीस की सभ्यता भी इसमें शामिल है, एथेंस में। लखनऊ में पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर दिव्यांग खोला गया है। समर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर हो जाती है और इस वर्ष इसके लिए NH1A को 4 दिन के लिए बंद किया गया 8 मई से। और इस मूव को, जिसमें सारे सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जम्मू से श्रीनगर और या फिर श्रीनगर से जम्मू आते हैं, उसको दरबार मूव कहते हैं, यहाँ की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ईडन गार्डन में 4 ब्लॉक्स शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। ईडन गार्डन कलकत्ता का क्रिकेट स्टेडियम है। दिल्ली में स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव 2017 1 से 2 मई 2017 तक चली। प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ चर्चित पुरस्कार, क्रिसीना धोनी विश्वनाथ जो कि प्रसिद्ध तेलुगु और तमिल फिल्म मेकर हैं, उनको 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 का दिया गया है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2017 प्रफुल्ल समंतारा को दिया गया है। इन्होंने नियमगिरी में जो ओडिशा में आदिवासियों के ऊपर जो उनकी संघर्ष है उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया, पर्यावरण के ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। हांगकांग फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार न्यूटन को दिया गया है। न्यूटन भारत की पिक्चर है। मानागुआ निकारागुआ की राजधानी, वहाँ पर मिस टीन यूनिवर्स प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें सृष्टि कौर जो भारत की थी उन्होंने इस खिताब को जीता। सामंथा पियरे कनाडा की सेकंड और एरी ट्रावा मेक्सिको की थर्ड रहीं। शंख घोष जो कि बंगाली पोइट हैं, उन्होंने इस वर्ष का सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीता है। CIA प्रेसिडेंट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल बजाज प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया है, बजाज ग्रुप के चेयरमैन हैं आप। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ स्पोर्ट्स की खबरें, खेलकूद, नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप हैदराबाद में हुई, इसमें हरियाणा प्रथम और UP दूसरे स्थान पर रहा। मेल में दमनीत सिंह पंजाब के रहे टॉप एथलीट और फीमेल में अपर्णा रॉय केरला की रहीं टॉप एथलीट। मोंटे कार्लो रोलेक्स ATP 1000 मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट, इसके फाइनल में 10वां टाइटल जीता राफेल नदाल ने, अल्बर्ट रामोस को हरा करके, विनोलास को, दोनों स्पेन के खिलाड़ी थे। रोहन बोपन्ना ने पाब्लो क्यूवास रुगुए के साथ, जो कि रुगुए के हैं, उनके साथ मिलकर के डबल्स का टाइटल जीता। लंदन मैराथन के फाइनल में केन्या ने दोनों खिताब जीते पुरुष और महिला के। पुरुषों में डैनियल वांजीरो और महिलाओं में मैरी केतानी विजित रहे। जिन हुआ एशियन एथलेटिक्स ग्रांप्री में गोल्ड मेडल शॉटपुट का मनप्रीत कौर भारत की ने जीता। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी शॉटपुट का बनाया और 17.96 मीटर दूर गोला फेंका। 43वां नेशनल सब जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट ये परावर कोची में हुआ। इसके पुरुषों के फाइनल में राजस्थान ने तमिलनाडु को हराया जबकि महिलाओं के फाइनल में तमिलनाडु ने वेस्ट बंगाल को हराया। US ओपन कराटे चैंपियनशिप में लॉस वेगास में भारत ने 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 11 कांस्य पदक जीते। 2018 के फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के में वीडियो रेफरल को शुरू किया जाएगा ताकि जिन गोल्ड्स को लेकर कंट्रोवर्सी होती है उसको ख़त्म किया जा सके। मूक बधिर ओलंपिक डीफ ओलंपिक के नाम से जो कहलाते हैं डीफ ओलंपिक्स, ये सैमसन टर्की में 18 से 30 जुलाई तक होंगे। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप दोहा में ख़त्म हुई, इसके फाइनल में लू हाउथियान जो कि चाइना के हैं उन्होंने भारत के पंकज अडवाणी को हराया। कोझिकोड में नेशनल सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जो लड़कों की थी मिजोरम ने मेघालय को 1-0 से हराया। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल। नेम ऑफ माई चैनल इज़ विजय आनंद मास्टर मिक्स। थैंक यू वेरी मच।